I'm a blanket, Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Baker. हेलो बच्चों, आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं कर रहा हूँ सैर मेरे मार्वेलस मेकर मोबाइल में। और इस मेकर मोबाइल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहीं भी जा सकती है। ये चौकी आ गया मेकअप मैसेज लेकर। हेलो, मैं हूँ डैनी। हेलो डैनी, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? यस प्लीज मिस्टर मेकर। मैं अभी तुम्हारे पास पहुँचा। मैं पहुंच गया। हेलो डैनी, तो आज मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? क्या बताएंगे कि कुछ बहुत ही कलरफुल कैसे बनाते हैं? कुछ बहुत ही कलरफुल हैं? इससे मुझे याद आया, एक रेनबो। पर क्या तुम जानते हो डैनी, मुझे लगता है हमें इससे भी ज्यादा कलर्स चाहिए होंगे। मुझे आया एक बढ़िया आइडिया, चलो कुछ बनाते हैं। कोशिश कीजिए और बनाइए एक कलरफुल सुपर स्ट्राइपी पिक्चर। ये बढ़िया है और स्ट्राइपी भी। चलिए बनाते हैं। पर पहले मुझे चाहिए इसे बनाने के लिए एक जगह। और हमें चाहिए कुछ चीजें डूडल ड्रॉस से। तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आया। एक बड़ा टुकड़ा प्लेन पेपर का, अब हमें साथ ही चाहिए कुछ पुराने स्क्रैप्स कलर्ड पेपर के। और जब हम स्क्रैप्स ढूंढ रहे हो तो इसके लिए स्क्रैप से बेहतर कोई हो सकता है क्या? हाँ स्क्रैप्स, तो तुम यहाँ हो। देखो, हमें चाहिए कलर्ड पेपर के स्क्रैप्स। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बहुत खूब। अब इसमें हो सकता है हमारे दो स्क्रैप्स को काफी वक्त लग जाए, क्योंकि उसे सभी डूडल ड्रॉज में से ढूंढना पड़ेगा। तो अरे बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। मुझे पता है तुम स्क्रैप्स के एक्सपर्ट जो हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और साथ ही हमें चाहिए एक ग्लू स्टिक। तो ठीक है डैनी, चलो करते हैं थोड़ा मजा और बनाते हैं सुपर स्ट्राइपी पिक्चर, जैसे ये वाली है यहाँ पर। ये शानदार दिख रही है। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ। गुड, क्या आप तैयार हैं? ग्रेट, चलिए बनाते हैं। अब हम लेंगे हमारी शीट्स और स्क्रैप्स इन कलर्ड पेपर के, और हम इन्हें काट लेंगे लंबे स्ट्रिप्स में। अब तुम चाहो तो इन्हें सीधे पेपर से काट सकते हो, या फिर तुम इस पर सीधी लाइन खींच सकते हो पेंसिल और रूलर के इस्तेमाल से, बिल्कुल ऐसे, और फिर इसे काट लेंगे डैनी। पर हमें रहना होगा होशियार, क्योंकि कैंची होती है तेज। सही कहा, इसने पहले भी ये काम किया है। ओके, तो तुम इस वाले को काटो डैनी, ये लो, और मैं यहाँ कुछ और स्ट्रिप्स बनाता हूँ। ध्यान से बहुत से अलग अलग कलर्स की मोटी और पतली स्ट्रिप्स काट लीजिए। अब हम अपनी स्ट्रिप्स को चिपकाना शुरू करेंगे। तो चलो लेते हैं स्ट्रिप, ये वाली बढ़िया है, इस पर लगाते हैं ग्लू। ओके, इस तरह से मैं पहली वाली पर लगाता हूँ। ये हो ही गया है। अब हम अपनी सभी स्ट्रिप्स को इस तरह इस पर लगा देंगे। हम इसे ऊपर से लगाकर नीचे तक लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तुम भी लगाओ डैनी, ये वाली अच्छी है। क्या इस पर बहुत सी ग्लू लगाओगे मेरे लिए? हाँ। बढ़िया दोस्त। ओके, तो लगाओ। परफेक्ट, थैंक यू डैनी। अच्छा, अब हम इसे चिपका देते हैं। ये अच्छा आइडिया होगा अगर आप स्ट्रिप्स को
इस तरह से चिपका दें, बिल्कुल इस तरह। ये बहुत ही अच्छी दिखेंगी। और फिक्र मत कीजिए अगर ये पेपर के सिरहाने से निकल रही हैं। बस तब तक चिपकाते जाइए जब तक ये पेपर पूरी तरह स्ट्राइप से भर ना जाए। तो हमने तकरीबन पूरा कर लिया है डैनी, पर जैसा कि तुम देख सकते हो कुछ स्ट्रिप्स पेपर के सिरे पर बाहर निकली हुई हैं। तो हमें करना ये है कि बड़े ध्यान से कैंची की मदद से इन्हें काट लेना है, इस तरह से। और लो ये तैयार है, एक सुपर स्ट्राइपी पिक्चर जो वाकई कलरफुल है। और स्ट्राइपी पिक्चर्स की खासियत ये है कि आप इसे कई तरीकों से बना सकते हो। इसके बारे में क्या ख्याल है, जो बनी है लाइट कलर से, या ये वाली जिसकी स्ट्रिप्स हैं पुराने रैपिंग पेपर की, या आप चिपका सकते हैं इन स्ट्रिप्स को दूसरे तरीके से। तो तुम्हारा क्या ख्याल है डैनी? शानदार। बेशक शानदार, हमने बना दी। और तुम भी इसे घर पर बना सकते हो। हुर्रे! कितनी कलरफुल स्ट्राइपी पिक्चर है, बहुत बढ़िया डैनी। हाँ, मुझे मेकर मोबाइल के बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। धूप खिली हुई है, पंछी गा रहे हैं, और ये शोर कैसा है। मैं जानता हूँ ये कौन है। मैं हूँ एक सर्कल। मैं हूँ एक ट्रायंगल। मैं हूँ एक स्क्वायर। मैं हूँ एक रेक्टेंगल। आज ये स्क्वायर्स क्या बना रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं? कोई आइडिया मिला? ये है एक डायनासोर। बहुत खूब शेप्स। अब वक्त है डूडल ड्रॉज में वापस जाने का। हाँ, मुझे मेकर मोबाइल चलाना बहुत पसंद है। यहाँ देखने को कितनी दिलचस्प चीजें हैं। मिनट मेक टाइम। हे, ये है मिनट मेक टाइम। मैं पहुँच रहा हूँ। हम पहुँच गए। ये है मिनट मेक टाइम बच्चों। और ये है वो चीज जो आज हम बनाने वाले हैं, एक पेग एनिमल। देखो, ये है मेरा पेट पेग डॉग। अब इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी ये चीजें: एक ग्लू स्टिक, एक पाइप क्लीनर, 3 कपड़े सुखाने वाले पेग्स, थोड़ा सा फन फर, एक पॉम पॉम, और साथ ही हमें चाहिए 2 गूगली आईज, और वो आपको मिल जाएंगी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप में। मैं अभी वापस आया। मैं ले आया, ये रही हमारी गूगली आईज। आप क्या आपको लगता है कि बनाना मुमकिन है इस पेग एनिमल को, वो भी सिर्फ 1 मिनट में? बिल्कुल। पर मुझे लगता है हो जाएगा। वैसे मुझे बहुत जल्दी हाथ चलाने होंगे, पर फिक्र मत कीजिए, मैं आखिर में आपको इसे बनाना सिखा दूंगा। क्या आप तैयार हो? हाँ। क्या आप तैयार हैं? बढ़िया, चलिए बनाते हैं 1 मिनट में। तीन, दो, एक। क्लॉक शुरू करो।
ओके, तो हम लेंगे हमारा पाइप क्लीनर, इसे आधा मोड़ लेंगे और फिर इसे ट्विस्ट करेंगे इस तरह राउंड एंड राउंड। और अब लेंगे हमारे पैक्स को, एक को इसके सिरे पर लगा देंगे, ये बन जाएगा इसका सर, और दूसरे दिशा में बन जाएंगी इसकी टांगे। तो एक ये यहाँ पर और एक यहाँ है, मोड़ कर पूंछ बनाएंगे इस तरह। ओके, अब लेंगे थोड़ी ग्लू और लगाएंगे हमारे पॉम पॉम पर, ये बन जाएगी इसकी नाक। इस पर ग्लू लगाते हैं इस तरह से। चलो अब लगाते हैं हमारी गूगली आईज, ये लगा दी है एक आई। अब लगाते हैं दूसरी वाली, ये हो गया। चलो इसे ठीक से चिपकाते हैं, और ये भी चिपक गई, बहुत अच्छे। अब हम लेंगे इस फन फर को, इस पर लगाएंगे थोड़ी ग्लू और इसे साइड में चिपका देंगे, और लीजिए बन गया मेरा पेग एनिमल, मैंने कर दिया। बना ही दिया। और अगर आपके पास है एक मिनट से ज्यादा वक्त, तो आप बना सकते हैं कई तरह के पेग एनिमल्स। इस वुली शीप के बारे में क्या ख्याल है, जो बनी है कॉटन वुल के वुली कोट से? या ये है एक पिंक रैबिट, जो बना है पिंक कॉटन वुल से और जिसके पैर बाहर निकले हुए हैं। या आप बना सकते हैं एक ट्रॉपिकल पेग पैरेट, रंग बिरंगे पंखों वाला, और चोच के लिए पेग को इस्तेमाल करें। पेग एनिमल्स जो बने हैं एक मिनट में, क्यों ना आप भी बनाएं? ये रहा रिमाइंडर कि इन्हें बनाते कैसे हैं। चलिए शुरुआत में चलकर देखते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। एक पाइप क्लीनर लें, इसे आधा मोड़ लें और ट्विस्ट करें। पेग्स को लगाएं टांगों और सर के लिए इस तरह। पॉम पॉम की नाक और गूगली आईज चिपकाएं। बॉडी पर फन फर चिपकाएं। और लीजिए तैयार है आपका पेग एनिमल। क्यों ना आप भी कोशिश करें और बनाएं एक मिनट में। ओके, तो मैं अब चलता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे पेगी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय बच्चो। पता नहीं आज हम कहाँ जाने वाले हैं। हेलो मिस्टर मेकर। ओह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए हम आज क्या बनाने वाले हैं। ये क्या बनाने वाले हैं? मैं हूँ रेड। मैं हूँ लाइट ब्लू। मैं हूँ येलो। मैं हूँ डार्क ब्लू। मैं हूँ ग्रे। बढ़िया बच्चों, जल्द मिलेंगे। ये है वक्त एक बड़े सरप्राइज का। मैं इन मिनी मेकर्स को एक सरप्राइज देने वाला हूँ, जिन्हें नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ। हेलो, ये तो मिस्टर मेकर है। मिस्टर मेकर हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब क्या आप सबको हॉलिडे पर जाना पसंद है? मुझे भी, पर इस साल फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ। थैंक यू। वाओ, इस मैप को देखकर हॉलिडे पर जाने की सही जगह मिल गई, और इससे मुझे मिला एक बड़ा आइडिया। मुझे लगता है हमें बनाना चाहिए एक बड़ा ट्रॉपिकल हॉलिडे आइलैंड। क्या मेरी मदद करोगे? हाँ। बढ़िया, तो ठीक है मॉर्गन, होप, कैस्पियन, एम्बर और बेन, चलो इसे बनाते हैं। अब हम बनाने वाले हैं एक ट्रॉपिकल आइलैंड, है ना? हाँ। अब वो देखने में कैसा होगा? एक पाम ट्री हो और थोड़ी गोल्डन सैंड। गोल्डन सैंड और एक पाम ट्री भी हो। क्या हम अपना पाम ट्री पेंट करें? पेंट। हमें पेंट करना चाहिए, और कौन से कलर्स इस्तेमाल करें? ब्राउन, ग्रे। बढ़िया, ये बढ़िया कलर्स हैं। और हमारे पाम ट्री पर क्या होगा? कोकोनट। सही कहा। हम अपने कोकोनट्स किस चीज से बनाएंगे? ब्राउन कार्ड। तुम्हें लगता है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया आइडिया है। पेंट करें। हम ब्राउन पेंट कर सकते हैं। हाँ। मुझे लगता है ये सही रहेगा। एक बात कहूँ, मुझे लगता है हम तैयार हैं हमारे आइलैंड को बनाने के लिए। हाँ। बहुत बढ़िया, चलो बनाते हैं। हम पेंट
कर रहे हैं पाम ट्रीज। मेरे शेल को पेंट करने में मदद करेंगे? बेशक करूंगा। ये तुम्हारा शेल है ना? हाँ। ओ, ये बहुत बढ़िया है ना? जरा इस पर नजर डालें। जरा उस स्नेल के बारे में सोचिए जो इस शेल में रहता हो। ओहो, तुम क्या पेंट कर रही हो मॉर्गन? कोकोनट। कोकोनट्स, मुझे कोकोनट्स पसंद है। हमें धूप में हमारे बड़े आइलैंड को बनाने में बहुत मजा आ रहा है। क्यों ना आप कोशिश करें और बनाएं एक छोटा आइलैंड। बनाइए एक मिनी ट्रॉपिकल आइलैंड जिस पर है एक पाम ट्री। इसे बनाएं, इसके साथ खेलें और मजे करें। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 3 पाइप क्लीनर्स, एक पेंसिल, एक पेपर प्लेट, मॉडलिंग क्ले, ग्लू पी ग्लू, प्ले सैंड, टिश्यू पेपर, कलर्ड कार्ड, एक पॉम पॉम और एक छोटा टॉय। 3 पाइप क्लीनर्स लें और उन्हें पेंसिल के ऊपर लपेट दें। उन्हें इस तरह मोड़ लें ताकि वो पाम ट्री लीव जैसे दिखें। अब पेपर प्लेट को उल्टा करके रखें। मॉडलिंग क्ले के बॉल को प्लेट के नीचे रखें और अपने पाम ट्री इसमें लगा दें। इस तरह। अब अपने प्लेट के ऊपरी हिस्से पर ग्लूपी ग्लू लगा लें और इस पर छिड़क दें थोड़ा प्ले सैंड। अब लीजिए कुछ कलर टिश्यू पेपर के टुकड़े और इन्हें सिरे पर इस तरह चिपका दें ताकि ये आपके ट्रॉपिकल बीच की लहरें लगे। अब लीजिए एक कलर्ड कार्ड का टुकड़ा और इसे मोड़ कर बनाएं डेक चेयर। फिर इसे चिपका दें। अब अपने ट्रॉपिकल आइलैंड को पूरा करने के लिए क्यों ना वहां रख दे एक प्लास्टिक टॉय और कुछ पॉम पॉम कोकोनट्स। आपका नन्हा सा ट्रॉपिकल आइलैंड तैयार है और आप इसके साथ खेल सकते हैं। कितना बढ़िया तरीका है एक मिनी आइलैंड बनाने का, पर पता नहीं हमारा बड़ा आइलैंड कैसा बन रहा होगा। हेलो, मैं हूँ बादल, क्या तुम मुझे फुला सकते हो प्लीज? बहुत खूब, मैं उड़ रहा हूँ, तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा। क्या मुझे पकड़ सकते हो? क्या यह फुला हुआ बादल दिख रहा है? हाँ। बढ़िया, तो वक्त है उड़ जाने का। और सनी ब्लू स्काई को मत भूलना। ये बना रही है सी शेल सी शोर के लिए। बहुत बढ़िया मॉर्गन, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया बच्चों, हमने बना दिया। ये है वो जगह जहां मैं अपने हॉलिडे पर जाना चाहता हूं। मिस्टर मेकर, जाने का वक्त हो गया। अभी के लिए इतना ही, मेरा मेकिंग टाइम खत्म हुआ पर आपका अभी शुरू हो रहा है। वक्त है मेकर मोबाइल को वापस बॉक्स में रखने का।